नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका नतीजा है कि कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। हमें निवेश के सभी स्रोतों को इस क्षेत्र से जोड़ना होगा। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंची हैं। अब मथुरा में 23 फरवरी को किसान महापंचायत होगी। प्रियंका गांधी सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित कर चुकी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। देश में लगातार तेल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि सप्ताह में सारे दिन महंगे दिन हैं। जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े उस बीजेपी का अच्छा दिन घोषित करना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को 3 महीने होने को आ गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान कानून वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत के कई दौर बेनतीजे रहे हैं। वही कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में पंजाब के गैंगस्टर लखा सिधाना को पुलिस तलाश रही है। और इस बीच फरार चल रहा लखा सिधाना सोशल मीडिया पर सामने आया है और किसानों के समर्थन में पोस्ट की है। लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी लखा सिधाना पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। कोरोना काल में अपनी मदद से कई लोगों की जिंदगी संवारने वाले सोनू सूद अब चमोली त्रासदी में भी एक सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। एक्टर ने बड़ा कदम उठाते हुए 4 बेटियों को गोद लेने का फैसला किया है। एक्टर की टीम ने बताया कि सोनू इस परिवार की 4 बेटियों को गोद लेना चाहते हैं। वे उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक हर खर्चा उठाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी पैथोलॉजी लैब पर छापा मारा, जो कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन के नाम पर बिना अनुमति जायडस कंपनी के वैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और साथ ही मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा हुआ है। 16 फरवरी से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,993 नए केस दर्ज किए गए और 101 लोगों की जान भी चली गई। बीते दिन 10,307 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने वाली है। अपने माता पिता, भाई बहन और भतीजे समेत 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम को मथुरा के जिला जेल में फांसी होनी करीब करीब तय है। राष्ट्रपति उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। जेल में फांसी की तैयारी हो रही है। वहीं शबनम का 12 साल का बेटा राष्ट्रपति से अपनी माँ के गुनाह को माफ करने की गुहार लगा रहा है। भोपाल शहर का नाम बदले जाने की राह पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चल पड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने पर शिवराज सिंह ने बात कही है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।